धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरप्रीत जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई बाल मुकेश जी इनसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। और सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी जो भी भाई बहन पंडालों में बैठे हैं सभी से प्रेम से प्रार्थना है कि प्रेम पूर्वक इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो भी आप यूट्यूब के माध्यम से भी जो सत्संग से जुड़े हुए हैं आपसे भी निवेदन है कि आप इस यूट्यूब पूजा गुरु जी के जो यूट्यूब चैनल का लिंक है आगे के आगे शेयर करते रहें ताकि और ज़्यादा लोग सत्संग के साथ जुड़ सकें। ये भी आपकी सेवा बनती है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। खुशियां विच बसर करो सोनी जिंदगानी नू, खुशियां विच बसर करो सोनी जिंदगानी नू, ना नशियां विच रोलो ना नशियां विच रोलो अनमोल जवानी नू, ना नशियां विच रोलो अनमोल जवानी नू, खुशियां विच बसर करो सोनी जिंदगानी नू, खुशियां विच बसर करो सोनी जिंदगानी नू, ना नशियां विच रोलो ना नशियां विच रोलो अनमोल जवानी नू, ना नशियां विच रोलो अनमोल जवानी नू। दुश्मन अपने ने कुछ लोग पराए ने, कुछ दुश्मन अपने ने कुछ लोग पराए ने, जिन्ना ने रल मिलके सब लांबू लाए ने, जिन्ना ने रल मिलके सब लांबू लाए ने, कद समझोगे यारो कद समझोगे यारो इस चाल शैतानी नू, नशियां विच रोलो अनमोल जवानी नू, ना नशियां विच रोलो अनमोल जवानी नू। नलुए दे वारिसियों नानक दे जायो, भीष्म दे वारिसियों श्री राम दे जायो, चिट्टे दिया पुड़िया नू किधरों ले आए हो, चिट्टे दिया पुड़िया नू किधरों ले आए हो, किसे माफ नहीं करना किसे माफ नहीं करना इस खोर नदानी नू, नशियां विच रोलो अनमोल जवानी नू, ना नशियां विच रोलो अनमोल जवानी नू। दलेरा तू क्यों नींदा चढ़िया ने, उठ जाग दलेरा तू क्यों नींदा चढ़िया ने, तेरे तो भारत नू आसा ही बड़िया ने, तेरे तो भारत नू आसा ही बड़िया ने, हिम्मत दी तेग उठा हिम्मत दी तेग उठा पढ़ के गुरबाणी नू, खुशियां विच
ਬਸਰ ਕਰੋ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੋ ਅਨਮੋਲ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਐ ਮੀਤ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹਿਮਤ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਖੜੀ ਮੌਤ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਖੜੀ ਮੌਤ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲਝਾ ਦਿਓ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੋ ਅਨਮੋਲ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰੋ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰੋ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੋ ਅਨਮੋਲ ਜਵਾਨੀ 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 ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਭਾਈ ਬਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਂ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸੁਭਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਏ ਜੁਸਤਜੂ ਹੈ ਯਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸੁਭਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਏ ਜੁਸਤਜੂ ਹੈ ਯਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸੁਭਾ ਪਿਆਰ ਬਿਨ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੇ ਹੋਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਉਜਿਆਰਾ ਜੋ ਭੀ ਸਾਹਿਲ ਕੋ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਮੇ ਡੂਬ ਜਾਏ ਜੁਸਤਜੂ ਹੈ ਯਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸੁਭਾ ਕਿ ਕਨ ਕੋ ਹੈ ਪਲ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਬਿਠਾਇਆ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲੇ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਸਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਖਤਾਏ ਜੁਸਤਜੂ ਹੈ ਯਹੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਸੁਭਾ
प्यार से जग है रोशन, प्यार हर दिल का सहारा, फूलों से चांद तक है प्यार का ही नजारा। उजड़े गुलशन में सतगुल प्यार की बहार लाए, जुस्तजू है यही बस एक भी पल ना बुझाए। रात दिन शाम सुबह शाह सतनाम जीने प्यार इस कदर है बांटा, फूल बन गया हर जरा, रहा ना कोई कांटा। जिंदगी कर न्योछावर अब तो तुझ में समाए, जुस्तजू है यही बस एक भी पल ना भुलाए। रात दिन शाम सुबह प्यार सतगुर का पाए, जुस्तजू है यही बस एक भी पल ना भुलाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, पूरे देश में पूरी दुनिया में आज आप जूम मीटिंग के तहत और यूट्यूब चैनल से सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी से निवेदन है कि प्रेम पूर्वक इसी प्रकार जुड़े रहें, बैठे रहें अपनी अपनी जगह पर, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, जितनी भी साध संगत सामने नजर आ रही है, यहाँ सेवादार बच्चे बैठे हैं, सबको साध संगत में आने पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जी आया नु कहते हैं। सो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना अरदास दुआ करते हैं कि इस भयानक कलयुग में, इस ऐसे चल रहे समय में जो लोग राम नाम के लिए आते हैं, परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत के लिए आते हैं, उनको मालिक खुशियों से नवाजे। सो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। तो पहले सत्संग जी, यहाँ आज गुरु मंत्र का प्रोग्राम हुआ है, वहाँ बात करते हैं और उन सब बहन भाइयों से प्रार्थना है, दो दो लोग बात कर लें, दो भाइयों की तरफ, दो बहनों की तरफ, ताकि सबको समय मिल सके। जो पांच जगह हैं, पहला है जी ईस्ट आजाद नगर शहादरा डेरा दिल्ली। हाँ दिल्ली वालों,
जी बेटा बहुत अच्छा बच्चियों बेटियों बहुत अच्छा आपने भी अपना डांस किया बेटा। तो बात कर लें बेटा भाइयों की तरफ, पहले दो लोग बात कर सकते हो, करो बेटा। कराएं बात, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी बोलो बेटा। पूज्य पिताजी आप जी के बच्चे दिल्ली से। जी बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी जब से वो आप जी ने भजन लॉन्च किया है नित दिवाली प्रेमियों की, सच में दिन रात दिवाली हो रही है पिताजी, दिन रात दिवाली हो रही है। जी बेटा। और हो भी कैसे ना पिताजी, आप जी ने इतना प्यारा शब्द लिखा है और आप जी के इतने प्यारे प्यारे हमने मूवमेंट उसमें देखे हैं पिताजी, आप जी के बस आप जी से पूरे दिल्ली वालों की आशिकी बनी रहे और दिन पे दिन दिन दुगनी रात चौगनी आप जी से प्यार बढ़ता रहे, साथ संगत में आप जी से प्यार बढ़ता रहे। और बस पिताजी आप जी आज दिल्ली में पधारे हो, शहनशाह जी आप जी का ऋण नहीं दे सकते, आज ये आजाद नगर आप जी के आशीर्वाद से बना और आप जी ने जब पहले इसका निर्माण दूसरे तरीके का था तब आप यहाँ पर आए थे और आज भी हमें वो सारी यादें हमारी ताजा कर दी शहनशाह जी। ऐसा ही प्यार सारी साथ संगत सारे जिम्मेवारों पे अपना हाथ बनाए रखना शहनशाह जी, दो लाइन भी आपको सुनानी थी। बिल्कुल आशीर्वाद बेटा, बहुत भगवान खुशियां दे, मालिक से प्यार बड़े परमपिता परमात्मा से। पिताजी एक तो हमें गर्व है, हमें गर्व है अपने गुरु पर, हमें गर्व है अपने गुरु पर जिन्होंने ना केवल हमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया और सांसारिक ज्ञान, आपको उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, तमाम बातें आपने हमें बताई हैं शहनशाह जी, इसका ऋण हम दे नहीं सकते। पिताजी जब आप जी आए बरनावा तो हम ये सोचते थे पिताजी की दिनचर्या क्या होगी, जब पिताजी एक दिन बीता दूसरा दिन बीता पता चला यहाँ तो दिनचर्या क्या रातचर्या भी चल रही है पिताजी। पिताजी एक चीज आपसे पूछनी थी, जैसे आप जी ने बताया बरनावा का नाम वारना व्रत था और ऐतिहासिक जगह है ये सारी बताई आपने आप जी, पिताजी ये गरम टूल का भी एक हमने बहुत सारी साखियां सुनी है, एक बार आप जी के पवित्र जुबानी हम सुनना चाहते हैं कि इसका क्या रहस्य है, कैसे ये गरम पानी बना, क्या था यहाँ पर और कैसे ये सारी चीजें आप जी के आशीर्वाद से आज हमारे लिए सारी चीजें आप जी ने तैयार की हुई है पिताजी। कौन सा वो जो गर्म पानी का ट्यूबवेल है उसकी बात कर रहे हैं आप? जी पिताजी, जी पिताजी। बेटा इसमें कोई जादू टोना तो है नहीं, हकीकत ये है कि पानी यहाँ पे बहुत बढ़िया पानी नहीं था तो कोशिश की गई कि क्यों ना गहराई पे पानी परमपिता परमात्मा का नाम लेके शुरू करें, तो गहराई में पानी ही अच्छा निकला है और काफ़ी फायदेमंद भी है, तो ये सब परमपिता परमात्मा ओम हरि के कारनामे हैं। धरती में क्या क्या छुपा रखा है, क्या क्या बना रखा है, कौन सा खजाने पे हम टच कर बैठे और वो खजाना बाहर आ जाता है, तो उसी का एक ये रूप है और कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं है। पहले वहाँ क्या था ये तो बेटा बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि यहाँ भी आप खड़े हैं, वहाँ पहले क्या क्या हुआ करता था, पता नहीं कितनी परलय महाप्रलय आई हैं, इतनी सदियों से ये दुनिया सजी है। सो कहने का मतलब असलियत यही है कि यही कहा था कि बेटा यहाँ पानी लगा लो, ट्यूबवेल लगा के देख लो, और लगाया तो उसका पानी नीचे से गर्म आया, तो ये राम जी जानते हैं उसमें कितने वो चीज़ें मिलके आ रही हैं या कैसे वो अंदर से गर्म हो रहा है, तो ये तो उसकी रजा है, उसकी बनाई हुई प्रकृति का कमाल है। पिताजी दान दन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा जी। पिताजी आप जी का बेटा राहुल इंसा 15 मेंबर ब्लॉक नंदन नगरी से, पिताजी बोलने की हिम्मत देना। हाँ जी बोलो बेटा। पिताजी डेरा सच्चा सौदा क्या है ये तो आज सारी दुनिया जानती है, जैसे कि पिताजी आज के टाइम में नौजवान यूथ नशे की लत में बहुत गलत और बुरे कर्म करते हैं, ऐसे ही आपने पिताजी करोड़ों युवाओं को नामदान देकर उनको मानवता भलाई के कार्य करने सिखाए हैं और वो लोग मानवता भलाई के कार्य करते हुए पिताजी समाज को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं पिताजी, ऐसे ही पिताजी आशीर्वाद देते रहना आगे बढ़ाते रहना पिताजी। दो लाइन सुनाना चाहूंगा आपको पिताजी। जी। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल हमें,
की नजरों ने समझा। पिताजी हमारी मंजिल तो आप हो पिताजी। पिताजी जी बेटा बहुत आशीर्वाद, हमारे सारे बच्चे नौजवान या जितने बच्चे आप खड़े हो सबको बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो बेटियां हमारी अगर कोई बात करना चाहती हो तो वो भी बात कर सकती हैं, बेटियां अगर कुछ कहना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं बेटा आप तो बात कर लीजिए। पापा जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा जी बोलो। पापा जी सारी संगत का नारा कबूल करो जी, जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ आशीर्वाद पापा बेटा। जी आपकी बेटी स्मिता इंसान शादरा ब्लॉक से। जी बेटा। पापा जी आपने जो सत्संग में बार बार संदेश दिए कि बेटियों को अबला नहीं सबला बनाएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उससे आज समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है पापा जी। पेरेंट्स की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो पेरेंट्स पहले बेटियों के पैदा होने से परेशान हो जाते थे या केवल उनका दहेज इकट्ठा करने में लग जाते थे, आज वो पेरेंट्स अपने बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचने लगे हैं पापा जी। उसके लिए हम सारी बेटियां आपको बहुत धन्यवाद करती हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पापा जी कुछ लाइंस लिखी हैं, सुना दूं प्लीज? हाँ बेटा सुना दो बेटा। समाज की कुरीतियों को खत्म करवाकर हमें भ्रूण हत्या से बचाया आपने, पढ़ा लिखा और गेम्स में लाकर हमें अबला से सबला बनाया आपने, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ती जाएं, ऐसी रहमत बरसा दो पापा जी। निडर होकर सच्चे रास्ते पर चलती जाएं, हमारी रूह दीदी की तरह हमें भी शेरनी बना लो पापा जी, बना लो पापा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ आशीर्वाद बेटा। और हमारी बेटियां आप सारी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेटे भी उधर खूब सजे हुए हैं, बेटियों के हाथों में आरती की थालियां हैं, सुंदर कपड़े पहन रखे हैं और आपकी भी बिल्कुल, जब आपकी दीदी हैं तो आप कौन सा कम है, हमारी बेटियां ही आप हैं बेटा, बस मिलके सेवा करो और मिलके आगे चलो, तो भगवान आपको शक्ति दे बेटा, आगे बढ़े आशीर्वाद पुत्र। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। हाँ बेटा। पिताजी आप जी की बेटी वान्या इंसा नंदनगरी ब्लॉक से। हाँ बेटा। पिताजी सबसे पहले तो थैंक यू, आप जितना हमारा ख्याल रखते हो ना कोई नहीं रख सकता। पिताजी आपके लिए दो लाइनें लिखी थी वो सुनाना चाहती हूँ। हाँ बेटा ठीक है। मेरी हर खुशी का राज हो तुम, मेरे हर गम के राजदार हो तुम, यूं ही नहीं रहती मैं इस दुनिया से बेखौफ, मुझे पता है कि हर पल मेरे साथ हो तुम। धन धन सतगुरु तेरे यात्रा। जी बेटा बिल्कुल। और जो अभी बेटिया ने पहले बात करी थी कि पिताजी आपने बेटियों का बहुत मान बढ़ाया है, तो वाकई हम 90 में आए उससे पहले से बेपरवाह जी उस रूप में और साईं जी उस रूप में तो समझाते रहे, वही समझा रहे हैं और हमने खूब कोशिश करी कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। 90, 91, 92, 93 से लगातार चलता रहा और फिर लगातार आगे बढ़ता रहा सिलसिला, और आज हमें बड़ी खुशी है कि बेटियों को वो मान इज्जत बख्श रहे हैं हमारे देश के लोग और हमारे समाज में। आप लोग आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ो बेटा, ये मालिक से दुआ है। अब आप प्रसाद जो रख रखा है वो बन गया बेटा, जो भी आपने प्रसाद रखा है, सुंदर सी रंगोली भी बना रखी है, लंगर भोजन और लड्डू नित्य दिवाली है वाली बात हुई पड़ी है। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, लंगर भोजन और प्रसाद बन गया और ये सुंदर सी रंगोली हमारे बच्चों ने जिसने भी बनाई है, आशीर्वाद उन सबको बहुत आशीर्वाद। आगे है जी धींगड़ा गार्डन रेवाड़ी हरियाणा। हाँ जी बहुत बड़ी तादाद में सात संगत बैठी है, रेवाड़ी वालों आपकी नजर आ रही है।
जी बेटा बहुत अच्छा आशीर्वाद। हाँ जी कर लो बात बेटा, पहले भाइयों की तरफ दो लोग। हाँ बैठ जाओ माता बहनों, बैठ जाओ बच्चों, बाकी बात करने वाले बात कर लो बेटा। हाँ जी बोलो आवाज। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा बोलो बेटा जी। पिताजी सबसे पहले तो बोलने की हिम्मत देना पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी यहाँ पे आप जी की रहमत से आपके दर्शनों के लिए जिला पार्षद ब्लॉक समिति के जिम्मेवार गांव के सरपंच व स्कूल के बच्चे व अन्य गणमान्य मान्य व्यक्ति आए हैं जी। जी आप सबका यहाँ सत्संग में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, बहुत ही आशीर्वाद कहते हैं जी। और जितने भी लोग आप आए हैं, आप जिम्मेवार हैं अपने अपने एरिया के, सो आप सबको आशीर्वाद। और हम एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं बेटा कि हमारे समाज में एक दैत्य जाग उठा है जिसका नाम है ड्रग नशा। तो हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी आप जिम्मेवार हैं, अगर आप चाहें सारे गांव और शहरों में या नगरों में सारे मिलके इस दैत्य को जरूर भगा दें, गांव में एंट्री ना करने दें। आप ये हिम्मत करो, यहाँ एंट्री हो गई है, हम राम जी से प्रार्थना करेंगे आप लोग हिम्मत करें उनको सत्संग में लेके आएं। यकीन मानिए 6 करोड़ से वो दैत्य भाग गया है, तो आप लोगों के जो किसी भी परिवार में या गाँव में ये नशा है वो भी भाग जाएगा, यकीन मानिए जरूर भागेगा, राम जी भगाएंगे। अपा हिम्मत करनी है क्योंकि हिंदू धर्म में लिखा हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। तो अपा हिम्मत करनी है, राम जी कृपा करेंगे। तो आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद अच्छे नेक कामों के लिए, जितने भी लोग आप पधारे हैं भगवान खुशियां दे। पिताजी हाँ जी, मैं वीरेंद्र सिंह आपका बेटा यूथ 45 मेंबर जी जी और रेवाड़ी जिले से। और पिताजी हमारे जो इलाका है उस पे आप पूरी दया में रहमत करना जी कि हमारी साथ संगत का यात्रा सभी का प्रेम प्यार बना रहे और ये मानवता भलाई के कार्यों में आपकी दया मेरे से दिन रात लगे रहे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे पिताजी। बेटा पहले भी हमने जब सत्संग किया था इन्हीं एरियो में, आपके एरियो में जो सत्संग हुए थे, इतना ज्यादा साथ संगत आ गई थी कि सारे इंतजाम छोटे पड़ गए थे, ये हमें अच्छे से याद है। वो महेंद्रगढ़ का एरिया था, रेवाड़ी का एरिया था और एक और आपका जी कोसली था पिताजी। हाँ कोसली था, तो हर जगह साथ संगत बहुत ज्यादा तादाद में आई थी, तो आज भी काफी तादाद में साथ संगत आई हुई है। तो पूरा आशीर्वाद है कि आप लोग अच्छाई में आगे बढ़ें और बहुत आशीर्वाद। हमारे भाई बेटे बच्चे सब सज धज के आए हैं, हाथों में तिरंगे भी नजर आ रहे हैं और सिरों पे खिंडके भी नजर आ रहे हैं और बेटियों के रंग बिरंगे परिधान पहने हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारी बेटियां भी सजी हुई हैं, बेटे भी, तो रोज की दिवाली चल रही है, राम नाम की दिवाली, राम जी आए उसके बाद से आपकी ये दिवाली शुरू हो गई। सो कहने का मतलब दिवाली आई उससे पहले ही और आज भी लगातार वही चीज चल रही है, तो ये खुशियों का आलम यूं ही बनाए रखे राम जी, यही प्रार्थना है बेटा और सबको आशीर्वाद। और पिताजी सारी साध संगत की एक अर्ज है कि जो हमारी रू दीदी है जिसकी वजह से आज सारी साध संगत हमारा इलाका आप जी के दर्शन कर रहे हैं, तो वो आपका रहम हो करम है पिताजी, लेकिन दीदी की बहुत मेहनत है तो दीदी के हम तय दिल से शुक्र गुजार हैं। जी बेटा, बेटा जब बहन भाई होते हैं ना वो एक दूसरे का शुक्रिया नहीं करते बल्कि एक दूसरे का साथ देते हैं। और बिटिया हमेशा कहती है कि मुझे बड़ा मान है अपने भाइयों पे बहनों पे कि वो पापा के सेवा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो मैं भी वही सेवा ही कर रही हूँ। तो हम सब एक जैसे बहन भाई हैं, तो आप सब मिल के ये सेवा आगे बढ़ाएं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, एक और भाई बात कर ले बेटा, कोई दूसरा करना चाहे तो। अच्छा तो बिटिया यहीं बैठी है साथ संगत में, कैमरा मैन दिखा दे भाई। दान दान सतगुरु दान दान सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद बेटा, तो आपका नारा आशीर्वाद मालिक खुशियां दे और बिटिया का भी नारा है तो आशीर्वाद। जी हाँ जी बैठ जाए। दान दान सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। हाँ जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। हाँ जी आशीर्वाद पिताजी, मेहंदड़ की सा संगत की तरफ से नारा कबूल करो पिताजी। हाँ धन धन सतगुरु तेरा आसरा। हाँ जी आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद पिताजी, मेहंदड़ में आना जल्दी है जल्दी। बेटा आप यहाँ तो आपके पास आ गए और जब मर्जी ले चलो, हम तो बैठे हैं, ऑनलाइन आना है एक बार तो डायरेक्ट लाइन जब होगी राम जी चाहेंगे तो डायरेक्ट लाइन भी आ जाएंगे।
पिताजी दीदी को भी साथ लाना, रू दीदी को भंडड़ में है बेटा, रू दीदी को साथ लाना पिताजी भंडड़ में। बेटा रू दी तो अब जहाँ पापा जाते हैं वहाँ बेटी तो जाती है, नेचुरली है, और गुरु पापा हैं तो नेचुरली पहले भी सत्संगतों में, कोई आज की बात थोड़ा ना है, ये तो कब से सत्संगे सुन रही है हमारी बिटिया, तो वो अलग बात है कि आप ज़्यादा सेवा की तो सबके सामने वो बात आई, और ये तो लोगों को पता ही, आप सबको तो पता है सत्संगत को 99 से बिटिया तो सत्संगों में जाना सेवा करना आपको पता है सबको, हाथ भी यहाँ सेवादार खड़े कर रहे हैं, ये सेवादार जाया करते थे, वो सेवादार भी साथ हैं हमारे जो सत्संग किया करते थे, करवाते थे आगे जाके। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद, तो उसका तो एक ही शौक है, सत्संग सुनना और सेवा करना, बस इसी पे कि अपने पापा गुरु पापा जो सत्संग करते हैं वो ध्यान से सुनना, सिमरण करना, और जो हम कहते हैं कि बेटा मानवता की सेवा, तो उस पे चलना और आपके साथ लग के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना। हाँ जी, अरे सत्संग तो आशीर्वाद देना, हम नशा छुड़ाने के लिए ज्यादा ज्यादा लोगों के लेके आए, बस भर भर के लाए पिताजी। जी बेटा आज आज हमारे जो बच्चे नए आपने अभी अभी जिनका परिचय करवाया वो सारे ही तो हमारे बच्चे हो गए हैं, तो वो भी तो आपके साथ लगेंगे ना, ये थोड़ा ना है, अब वो गांव के गांव से नशा छुड़वाना है, इस राक्षस को जो नशे के रूप में हमारे समाज को खाने को आतुर है, इसको तभी भगाया जाएगा जब सारे बच्चे मिलकर जोर लगाएंगे, तो आज वाले भी हमारे बच्चे वो नए नहीं है, हो सकता संस्कार पता नहीं कब से मिले आ जाए तो क्या हो गया, हमारे तो जो राम जी की औलाद वो हमारी औलाद है, तो हमारे उनको भी आशीर्वाद, वो बच्चे भी हमारे साथ देंगे आपका, और सारे मिलके ही अपा समाज से इस बुराई को हटा सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद पिताजी, आशीर्वाद। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। अब हमारी बेटियों से बात, जो बेटियां खड़ी हैं बहुत तादाद में, भाई भी आए हैं और बेटे भी हमारे और बेटियां भी हैं। हाँ बेटियों करो बात बेटा जी, माइक। धन धन सतगुरु तेरा आशीर्वाद पिताजी, आशीर्वाद बेटा जी। पूनम इन सब लोग डेना से पिताजी, हम पूरी सत्संगत की तरफ से आपको नारा कबूल करें जी पिताजी, धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद बेटा जी आशीर्वाद। पिताजी दो लाइन बोलना चाहती हूँ। हाँ बोल दे बेटा। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत ही आशीर्वाद। तो अब सत्संग हो जाएगा बेटा, प्रसाद खा के लंगर भोजन खा के घर जाके अब सो लेना बेटा, अगर नहीं सोई तो रात, और चूरमा भी खा लेना बिटिया, चूरमा बढ़िया बना के लाए हो आप, इधर लड्डू रख रखे वो बाद में देखते हैं। हाँ पुत्र ले लिया लड्डू भी हैं आपने, मोती चूर के लड्डू और ये चूरमा। वैसे आपको बताएं हमें चूरमा वाली चीज ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये देसी गांव में बना करता है और हम खाते रहे हैं, तो देसी घी का है।
हाँ बेटा, गांव में देसी होता बलैती तो बढ़ने नहीं दिया करते थे पहले तो, हैं आजकल चल गया थैलियां सी उठा के आ जाते, पहले तो कहाँ होता था, सिर्फ देसी होता था, चाहे वो बकरी का क्यों ना हो या गाय का भैंस का। तो कहने का मतलब देसी घी आज भी चलता है गाँव में एरिया में। तो आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद, और एक बात और कर लो अगर करनी है तो जल्दी से। हाँ बेटिया, नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ मैं आपकी बेटी रमनदीप इंसा, ब्लॉक अटेली, जिला महेंद्रगढ़ से। हाँ बेटा, सबसे पहले पापा जी हमारी पूरी संगत की साइड से नारा कबूल कीजिए, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद पुत्र। पापा जी सबसे पहले आपको 10+ मिलियन व्यूज की लख लख बधाई हो। जी आपको भी आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। पापा जी जब से आपका भजन सुना है ना, मतलब समझो पागल ही हो गए, बिल्कुल दिल को छू गया पापा जी। जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद। पापा जी मैं नीट की परीक्षा 2 बार दे चुकी हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं कल फिर से एक बार तैयारी के लिए जा रही हूँ, तो पापा जी रहमत बख्शना और मेरे साथ रहना हमेशा, कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार रहे पापा जी। बेटा एक तो एम बना के चलना, बाकी चीजों पे ध्यान मत देना, और पूरा जैसे हम बच्चों को बताया करते हैं पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जुबान से पढ़ो, लिख के पढ़ो, और फिर दिमाग में इमेज बना के पढ़ो। तो 3 तरीके होते हैं बेटा, जो बेस्ट वे है पढ़ाई का, बेस्ट तरीका है। आप बोल के पढ़ते हो तो वो बॉडी में अंदर चला जाता है, लिखते हो वो और माइंड में गहराई करता है, और जब इमेज बना लेते हो बाद में कि मैं पढ़ता जाऊं और साथ में इमेज करता जाऊं कि हाँ मेरे अंदर बैठता जाए, तो यकीनन आपके अच्छे से याद होगा और भगवान ने चाहते रखी होगी बेटा। पर बस एम बनाना और एम पे ही फोकस करो बेटा, बाकी के लिए लाइफ पड़ी है, तो मालिक ने चाहा राम जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद बेटा, तो आप सबको बहुत आशीर्वाद, जितनी भी साध संगत दूर दराज तक हमें नजर आ रही है, और जो भी प्रसाद आपने रखा है। हाँ जी, वाह जी वाह, लड्डू पे लड्डू, और कहने का मतलब बहुत सारे लड्डू आपने सामने रख रखे, ढेर लगा रखा है। साड़ी नित्य दिवाली है सुंदर सी, एक आपने हार्ट की 10+ मिलियन वो लिख रखा है, और लंगर भोजन भी रखा होगा। हाँ जी, वो भी प्रसाद बन गया बेटा, हाँ सब 10+ मिलियन वो लिखा हुआ है। तो आशीर्वाद बेटा जी, बहुत आशीर्वाद। तो फिर आप सबको आशीर्वाद देते हैं और सारा प्रसाद बन गया। तो आगे है जी, डेरा सच्चा सौदा सांझा धाम मलोट पंजाब, और वैसे रिवाड़ी में एक टेक्निक बहुत अच्छी दिखाई उन्होंने कि जिसे बात करवा रहे हैं उसे फोकस में रखते हैं और बाकी सराउंड, तो ये अच्छा है। वहां के जो भी आईटी बैंक के मेंबर हैं उनको बहुत आशीर्वाद। जी पंजाब वाले हो, बहुत आशीर्वाद बेटा, साड़ियां बेटियां बेटे तुसी जो नाच रहे हो, खुशियां मना रहे हो। सतगुरु यारी गया फेरा पानी गया, सतगुरु यारी गया फेरा पानी गया, पंजाब वाले नु गाले नाले लाड़ी ले आप ले वाले ਸ਼ਰਦਾ 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 ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਹੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿਮਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਬਾਪੂ ਬਿਨਾ ਭੋਰਾ ਦਿਲ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣੇ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਚੜਾਈ ਤੇ ਪਟਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆ ਮੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪੰਡਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਉਣਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਕਸ਼ਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗੂੜ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਇਹ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਹਰ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਸਕੋ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸੋ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ MSG IT ਵਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧੁੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਜੀ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਾਵਣ ਬਣਦੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੀ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸੀਨਾ ਆਜੂਗਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੁਡਾਉਣੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਛੁਡਵਾ ਸਕੋ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਲਾਈਨਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹਟ ਬੀਤੀ ਸੋਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਦੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਆ ਗਏ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਆ ਗਏ ਪੁੱਛਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਲਾ ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਲੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਟ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਪਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਚਾ ਖਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਥੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ ਬਿਟਾ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਮਲੋਟ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਵਰਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾਈ ਰੱਖੇ ਸੋ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂ ਬੇਟੀਓ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਰੋ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੈਤ ਭੱਜੂਗਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੁੱਤਰ ਸੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਬਾਰੇ ਹਨ ਸੁੰਦਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਰੰਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਦੀਵੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਪਤੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਚਰਖਾ ਹੈ ਰੰਗੀਨ ਚਰਖਾ ਵੀ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਚਰਖਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਿਓ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਲੈ ਲਿਓ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਲਜ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਮਕਾਈ ਰੱਖੇ ਐਸਾ ਸਾਈਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬਸੰਦਰ ਕਿਵੇਂ
ਜਿਸੀ ਲੋ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇਵੀ ਜਿਸੀ ਲੋ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾਰੂ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਇਸ਼ਕ ਨਸ਼ਾ ਛਾਇਆ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਚੜਿਆ ਵੇ ਨਾ ਰਹੇ ਸਾਵਣ ਦੀਵੀ ਜੈਸੀ ਲੋ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੀਵੀ ਜੈਸੀ ਲੋ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ जी राजस्थान वालों बहुत ही सुंदर साज सजा कर रखा और ऊंट भी आपके तो आए हुए हैं और वो भी थोड़े थोड़े कदम हिला रहे थे बहुत ही सजा रखे हैं आपने और बहुत ही आशीर्वाद आप सबको मालिक खुशी बख्शे दया में रहमत से नवाजे आशीर्वाद आशीर्वाद बहुत सुंदर रंगोली बना रखी है और जी तो कर लो बात बेटा क्या बात करनी है आपने दो भाइयों की तरफ दो बहनों की तरफ दान दान सतगुरु तेरे आसरा ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਇਨਸਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪਤੰਦਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਪਤੰਦਰ ਸੱਚੀ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮੋੜੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਪਤੰਦਰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਤੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਮਾਨਕਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵਟਣਾ ਚੜਾ ਤਾ ਉਹਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਬਾਪੂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਪਤੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਟਾਪਾ ਚੱਲ ਪਾਈ ਠੀਕ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਵਾਲਾ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਪਤੰਦਰ ਆ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਸੂਰਤਗੜ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤਗੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰ ਜੂਗੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤਗੜ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਰਤਗੜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਜੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜੀ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤਗੜ 'ਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਪੰਡਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਵਧਾਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਵ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਆ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂਤ ਦਾ ਮੋਛਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਲੋ ਜੁੱਟ ਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰੀ ਸਾਡੇ MSG ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਵਾਲੇ ਪਤੰਦਰ ਜੱਟ ਦੀ ਕਦੇ ਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜੁੱਟਦੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਕਤ ਆਇਆ ਜਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਦਿਖਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਟਿਕ ਜੋ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿ ਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਪਤੰਦਰ ਹੈ ਟਿਕ ਜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਣ ਦਾ ਤੇ ਜੱਟ ਦਾ ਵੈਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੱਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਪਤੰਦਰ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਟਾਬਾ ਚੜ ਗਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਪੂ ਸਾਰੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਸੁਜਾਰ ਪੈਣਾ ਟੋਟਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਬਾਪੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪਿਤਾ ਜੀ 100 ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਤਗੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ
ਕੱਠ ਰਿਕਾਰਡ ਤੜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਤੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਝੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਐਡੋ ਵੀ ਤਕੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮ ਬਲੋਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਪੂਰਵ MLA ਆਏ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਏ ਹੈ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਆਏ ਗਣਮਾਨੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਆਪ ਲੋਕ ਗਣਮਾਨੇ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਏ ਹੈ ਆ ਭਗਵਾਨ ਆਪਕੋ ਸਭਕੋ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਮੇ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਰੂਪੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੋ ਰਾਕਸ਼ਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ ਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰੋਂ ਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਮੇ ਇਸ ਦੇਤੇ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੇ ਆਪ ਸਭਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਔਰ ਰਾਮ ਜੀ ਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਕੋ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਾਮੋਂ ਮੇ ਆਪ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਆਗੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲਾਸਟ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਰਸੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਧਾਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਇਹ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਡੂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਅਤੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਬੈਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਸੀ ਸੰਤ ਖੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਸਭ ਕੀ ਮੰਗੇ ਖੈਰ ਸਭੂ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇ ਬੈਰ ਤੋ ਹਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੈਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੇੜ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਔਲਾਦ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਕੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਨਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਮੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਕਿ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਬਦੂਆ ਦੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੇ ਲਈ ਹੱਥ ਉੱਠੇਗਾ ਉੱਠਤਾ ਥਾ ਉੱਠ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਤਾ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਤੰਦਰ ਨਾਲ ਜੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਦ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਕਾ ਬੇਟਾ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਗੜੀ ਇਨਸਾ ਛੋਟੇ ਬਲਾਕ 115 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਸੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਕੀ ਇਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੀ ਰੇਤੇਲੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਪਧਾਰਨੇ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਗਣੀ ਗਣੀ ਖੰਭਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ ਗਣੀ ਗਣੀ ਖੰਭਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਆਪਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪਰ ਜੋ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਹੋ ਗਏ ਉਸਕੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਣੀ ਗਣੀ ਮੋਗਲੀ ਮੋਗਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਕੋਈ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਨੈਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਵਾਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ
बापू जी दो लाइनें सुनानी थी और एक छोटी सी डिमांड भी है बापू जी। हाँ बेटा बोलो। तरो नूर करे चम चम गणा इते तो लगो प्यारा जान सकला सुमान प्यारी ते जान सु प्यारा बापू जी गणा ही फूट रहे लाग रहे हो ते तो गणा ही सोना लाग रहे हो बापू जी। थे सगला मारी औलाद भी घनी फूटरी लाग रहा हो सगला आशीर्वाद। बापू जी एक छोटी सी डिमांड है बापू जी। हाँ जी बापू जी, जब आप सुनारिया धाम से बनावा आश्रम आए थे तो एक बार बहुत ही रूहानी और नूरानी एक बार एक जलवा आप जी ने दिखाया था, आपके पवित्र चर कमलों को हमको दिखा के दर्शन कराए थे बापू जी। एक बार पूरी साध संगत की फिर वही डिमांड है बापू जी, एक बार आपके पवित्र चर कमलों का दर्शन करा दो पिताजी बापू जी, सबकी साध संगत की डिमांड है जी। हाँ बेटा जरूर, जब अभी थोड़ा सा क्योंकि मेज वगैरह इतने ज्यादा पड़े हैं अभी वो थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन फिर से ही कोई नहीं, आप कोई दिन रख लेंगे ऐसा जिसमें आप वो खुशी भी हासिल करें, आपको अगर चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हम तो हमारी औलाद हैं, हमारे बच्चे हैं, जरूर आपके सुनेंगे, पर आज थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी ताम झाम है उसको टाइम लग गया, तो आप बहनों की बातें करवा दो, दो बातें आपकी होगी बेटा जी और सबको आशीर्वाद, हमारी बेटियां भी बात कर लेंगी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। पिताजी हम सुख दुआ समाज से। जी बेटा। ये थर्ड जेंडर जो आपने हमें दर्जा दिलाया है कोर्ट से, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। जी पुत्र आशीर्वाद बेटा, और आपका हमारे सिर पे यूं ही आशीर्वाद बना रहे, पूरा आशीर्वाद जो बेटा। हाँ जी, जो भी हमारे दिल की इच्छा हो आप सभी पूरी करें जी। और मैं यहाँ सूरतगढ़ से ज्योति महंत पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी से रह चुकी हूँ पिताजी। जी बेटा। ये भी आपका ही आशीर्वाद था कि इस औहदे पे मुझे आपने पहुंचाया, और ऐसे ही आप अपनी मेहर दृष्टि मुझ पे बनाए रखें और आपकी कृपा बनी रहे पूरे सूरतगढ़ वासियों पे, पूरे शहर वासियों पे, यही आपसे अरदास है पिताजी हमारी। जी बेटा बहुत आशीर्वाद बेटा, हमें भी खुशी हुई कि हमारी बेटी इतनी आगे बढ़ी और हमारे जो हम कर रहे हैं कि आप हमारे बच्चे हो और इनको कोई भी ऐसा ना बोले, कुछ गलत ना बोले, तो हम उसी के लिए लगे हुए थे और हमें भगवान ने कृपा कर दी बेटा, और वो जो थर्ड जेंडर आपका मिला बड़ी खुशी हुई कि एक ओहदा मिल गया, एक हमारे बच्चों को एक समाज में जीने का एक वो मिल गया कि हम भी सिर तान के चल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम भी इसी में शामिल है जिसमें आप लोगों हम कोई अलग नहीं है। शाबाश बेटा आशीर्वाद। ये दर्जा आपने ही दिया हमें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दो लाइनें आपके लिए हम लोग बोलना चाहते हैं अपने दिल से। हाँ बेटा। तो आशीर्वाद रखिए पिताजी। हाँ पुत्र बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, पहले ये ख्याल था
जी हाँ बेटा जी, आवाज बंद हो गई। बहुत ही सुंदर सुनाया आपने बेटा, बहुत ही अच्छा सुनाया। हाँ बहुत ही बढ़िया सुनाया बच्चों, बहुत सुंदर बेटा जी। आपकी आवाज बंद होगी माइक की। आशीर्वाद सुमालिक, बहुत खुशियां दे। हमारे सारे बच्चे ऐसे ही खुश रहें, खुशियां लें, और जो राम नाम से जुड़ता बेटा आगे अच्छा ही होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। राम जी ने यही करना है, वही कर्ण करावण हार हैं। सो आशीर्वाद सबको। और अच्छा लिख रखा बेटी बचाओ, मैसेज भी लिख रखे आपने रंगोली में। साड़ी निधि दिवाली है MSG, और तो सारे बेटियों ने और बेटों ने बहुत ही सज धज के सारे आ पाए, सजा रखा है पंडाल को। आशीर्वाद। तो बेटी को एक बात और करना चाहते हैं, एक बात और कर सकते हैं बेटियों की तरफ। प्रसाद बन गए। हाँ बेटा। पिताजी सूरत ब्लॉक से रानी सजान पहन आपकी बेटी बोल रही हूँ पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी हमारी तरफ से जुम्मेवार भाई और बहनों और सह संगत की तरफ से सारे ना नारा कबूल करना पिताजी। दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी एक दोहे दो लेना सुनाना चाहती है पिताजी। हाँ जी सुना दो बेटा। दान दान सतगुरु तेरे ही आसरा। आज दा दिन में मसाले जी बेटा, बहुत आशीर्वाद सबको, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। सो आप लंगर भोजन प्रसाद आपके रखे हुए हैं, वो सारे ले लेना, मालिक खुशियां दे और आशीर्वाद बेटा। हाँ लड्डू ही नज़र आ रहे हैं हमें लगता है, और लंगर भोजन भी है, तो सारे ले लेना बेटा, मालिक खुशियां दे, प्रसाद बन गया। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और अब लास्ट में गांव रहमतपुर हरिद्वार UP, गांव रहमतपुर हरिद्वार UP, वहाँ सत्संगत का नाम चर्चा घर है, वहाँ पे सत्संगत बैठी हुई है। जी बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो बहुत बड़ी तादाद में सत्संगत आई है, बेटियों ने खूब नाचे, भाई बेटे हमारे सारे खूब नाचे हैं, सबको आशीर्वाद। तिरंगे नजर आ रहे हैं हाथों में, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, सबको बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो बात कर लो दो लोग, पहले भाइयों की तरफ हमारे बच्चे करेंगे बात, फिर बेटियाँ। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी पिताजी, देवभूमि उत्तराखंड में आपका पूरा पूरा स्वागत है, पूरा पूरा।
जी आपको आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और शहनशाह जी आप जिन्हें इसी धरती पर 31 अक्टूबर 2012 की रात को यहीं इसके स्थान पर आप जी रुके और 1 नवंबर 2012 को आप जी ने डीसी केस से गंगा जी की सफाई की शुरुआत की और लगभग आप जी ने एक दिन में 35 किलोमीटर की सफाई करवाई पिताजी। जी बेटा। और पिताजी जैसे आप जिन्हें ऋषिकेश से शुरुआत की और हरिद्वार गंगा जी की हर की पौड़ियों पर भी आकर बल्ले बल्ले कर दी बल्ले बल्ले पूरी दुनिया की। और शहनशाह जी आज इसी स्थान पर आप जी दूसरी बार उत्तराखंड की इस धरती पर आए हुए हैं जी। जी। और उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार की पूरी समाज साथ संगत आप जी का तन मन धन के साथ स्वागत कर रही है पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा। और शहनशाह जी आज पूर्व विधायक गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं जी जिनमें से अपने चंद्रशेखर जी पूर्व विधायक भी आए हुए हैं जी पिताजी और अपने 15 मेंबर भी रहे हैं श्री चंद्रशेखर विधायक जी। जी बेटा जितने भी जुम्मेवार आए हैं साथ संगत आई है आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और जैसे आपने बोला हाँ जी ये सेवादार रहे हैं हमारे नज़र में आए देखा है आशीर्वाद इनको भी बहुत आशीर्वाद। और समाज के जितने भी लोग आए हैं गणमान्य लोग आए हैं जिम्मेवार आए हैं बस वही एक विनती जो सभी जगह पे कर रहे हैं कि आप हो सके अपने अपने गांव में अपने अपने एरिया में ये नशे रूपी जो दैत्य है इसको जरूर रोकें भगवान आपको शक्ति दे। हम तो इसीलिए आपके बीच में सत्संग करते हैं हमेशा कि जो बुराई ज़्यादा मुखर हो रही हो तेज़ी से बढ़ रही हो उसको पहले रोकें। तो ये ज़रूरी है कि ये नशा अगर छूटेगा तभी आने वाला समाज स्वस्थ बनेगा। तो आपको बहुत आशीर्वाद सबका बहुत स्वागत मालिक खुशी दे सारी साध संगत को आशीर्वाद सबको स्वागत। पिताजी सारी साध संगत चाहती है जैसे आप जिन्हें गंगा जी की सफाई की ऐसे ही नशे की भी सफाई कर दो पिताजी। जी बेटा हम तो दिन रात लगे हुए हैं और आप सब बच्चे मिलके भी लगे हुए हैं भगवान ने चाहा राम जी ने चाहा तो जरूर ये भी जरूर सफाई हो यही राम जी से दुआ है और होगी मालिक ने चाहा तो। पिताजी सभी जुम्मेवारों की हाजिरी भी अपने चरण कमलों में मंजूर करना शहनशाह जी। जी मालिक के चरणों में आपकी हाजिरी लगवाते हैं वो आपको खुशियां बख्शे हम तो सेवादार हैं भाई सबके सेवा करने वाले हैं सो आशीर्वाद। हाँ एक और बात कर लो बेटा जल्दी से कोई करने वाला है। सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा आशीर्वाद। विपिन इंसा रहमतपुर। हाँ बेटा जी लाइन बोलो। हाँ बोलो। करिए कबूल नारा सतगुरु जी रहमतपुर हरिद्वार संगत सारी का धन धन सतगुरु तेरा ही यात्रा कितनी बढ़िया किस्मत तुम्हारी या नए जीवों को लाने में सतगुरु आपने रहमत बहुत बरसाई रहमत करिए उन सब पर सतगुरु मेरे नशा छोटन जो पब्लिक यहाँ चल आई किन्नरों को दिलाया थर्ड जेंडर का दर्जा वेश्याओं को भी बेटी बनाई नशा छुड़ाया करोड़ों लोगों का फिर भी दुनिया समझ ना पाई दुनिया को तारण खातर कुल मालिक धरती पर आया है राम नाम से जोड़न खातर फिल्में खुद ही बढ़ावा है ले लो राम नाम कलमा दुनिया वालों सच्चे सौदे से जुड़ जाओ मिट जाएगी तकलीफ सारी ऐसा मौका ना तुम फिर पाओ ऐसा मौका ना तुम फिर पाओ। धन धन सतगुरु। जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। हम तो भाई आपके सेवकों के सेवक हैं बेटा सेवादार हैं कुल मालिक आप सब के अंदर बैठा है बेटा कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है सो वो आपको खुशियों से नवाजे बहुत बहुत आशीर्वाद।
बहुत बहुत मालिक खुशियाँ दे। तो अब हमारी बेटियों की तरफ वो भी बात कर लेंगे, दो भाइयों ने इधर से बात कर ली है। आप सबको, आपने जो बैनर्स बना रखे हैं, बच्चे जो सजे हुए हैं, सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियाँ दे। आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद, बहुत सुंदर बैनर वगैरह आपने बना रखे हैं। जी बेटा, तो आप बेटियाँ भी बात कर लेंगी, दो बेटियाँ हमारी बात कर लें, उधर भी बात। हाँ बच्चों बोलो बेटा। नंदन सतगुरु तेरा ही आश्रा पिताजी। हाँ आश्रा बेटा, पिताजी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। जी बेटा, हमें हमारे बच्चे सुंदर लग रहे हैं बच्चा। जी गजब गा रहे हो, जी गजब। जी बेटा, जी पुत्र आशीर्वाद। अरे सबसे पहले तो सारी उत्तराखंड की सत्संगत और उनके परिवारों का नारा कबूल करना जी। सारी सास संगत का आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी दे। पिताजी आप जी ने किए हैं उपकार बेशुमार, किया है प्यार बेशुमार, आपको नमन करते हैं हम बारंबार बारंबार बारंबार। जी आशीर्वाद, आशीर्वाद। आप जी की बेटियां तो इंसा, अन्नू इंसा, सुशीला इंसा उत्तराखंड हरिद्वार से है पिताजी, हमारा आप जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी बेटा, पिताजी सारी सास संगत का, उत्तराखंड का, सारी सास संगत का नारा कबूल करना जी। दान दन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद बेटा। दन दन। तो मालिक बहुत खुशियां दे सबको, हमारे बच्चे बहुत ही सजे धजे और बहुत ही सुंदर आप लग रहे हैं बेटा। सो मालिक दया में रहमत से नवाजे, प्रसाद ले लेना सबको, क्योंकि दो की बात का आपको पहले बोला हुआ है बेटा हर जगह, क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाता है अदरवाइज। सो आप सारे मंजूर कर लेना बेटा, मालिक खुशियां दे, आराम से बैठ के लंगर भोजन ले लेना, प्रसाद ले लेना बेटा। अब और जगह जो सात संगत बैठी है भारत में पूरे में, सात संगत यू जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन ज़्यादा सात संगत यहाँ यहाँ है, शास्त्र नाम जी धाम सरसा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और इसके अलावा विदेशों में भी सत्संगत पूरी दुनिया से जुड़ी है, लेकिन सब ज़्यादा जो है कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, यूएई, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस आदि देशों में लाखों की तादाद में सत्संगत यूट्यूब और जूम के माध्यम से लगभग 200 जगहों से जुड़ी हुई है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे जी। और यहाँ बरनावा में शादी वाले परिवार आए हैं जी, लड़के का नाम है विनय कुमार, पुत्र श्री रमेश कुमार जी का निवासी बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, लड़की का नाम दीक्षा इंसा, पुत्री श्री अनिल कंबो जी की निवासी बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। सो इनके 9 मेंबरों ने मरणोपरांत आंखें दान व श्रीदान का पन किया, बहुत बड़ी बात, ये महादान माना जाता है जी। और जो दीन दुखियों की मदद के लिए इन्होंने बैंक में 11,000 रुपये जमा करवाए हैं। सो लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालेंगे जी, आ जाएं बच्चों, आ जाएं यहाँ। और लड़का तो शास्त्र नाम जी गिनने से पहले फिर वोट स्विंग का मेंबर है, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। सो मालिक बहुत खुशियाँ बख्शे, आशीर्वाद। जी बेटा आशीर्वाद, बच्चों आपस में प्यार से रहना बेटा, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। और बाकी सास संगत में कोई विदेशों से आए हैं तो सामने या यहाँ पे कोई सेवादार हैं तो उनको आशीर्वाद बेटा, खड़े हो जाएं, प्रसाद ले लेना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे, प्रसाद लेना बेटा जी। सास संगत को भी आशीर्वाद, यहाँ से आप आए हैं परिवारों को भी, सो प्रसाद लेना, बाद में नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। हाँ सामने भी अगर कोई है तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। जी बेटा आशीर्वाद पत्र, बैठ जाइए। और इसके अलावा सेवा समिति जो सेवादार हैं जिनकी शिफ्ट पूरी हो गई, वो जाना चाहते हैं, वो खड़े हो जाएं, घर जाके खुशियां बांटना बेटा, खुशी की बात करना, और प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को प्रसाद देना, मालिक खुशियों से नवाजे, बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जाएं बच्चों, नारा लगा के बैठ जाया करो। और सारे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद। विदेश जाना चाहते हो कानूनी तौर पर जाना, वचनों पर पक्के रहना, मालिक हर जगह साथ है, सबको आशीर्वाद बेटा। जो भी जाना चाहते हैं खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाएं।
और बाकी हर अच्छे नेक काम के लिए आशीर्वाद। और बीमार अगर कोई है तो मालिक से प्रार्थना करके प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिएगा। डॉक्टरों से दवा लें, अगर नहीं फायदा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाइए, फिर भी फायदा अगर नहीं है तो सुमण करें, सुमण करके दवा लें। मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करे, आशीर्वाद। और परिवारों में कोई चला गया है, शरीर छोड़ गया है, तो वो कोई अगर आया है तो परिवार वाले खड़े हो जाएं। बेटा दुख जरूर लगता है जब कोई चला जाता है, लेकिन ये दुनिया आने जाने का कारखाना है। जैसे स्टेशन पे लोग आते हैं, उतर जाते हैं, ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, वैसे किसी के घर उस दिन से कोई चला जाता है, किसी के घर उस दिन कोई बच्चा पैदा होता है। तो ये समाज बिल्कुल वैसा ही कुछ है, मुसाफिर खाना जिसे बोला जाता है। तो मालिक आपको ताकत दे, जिसने राम नाम लिया होता है वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम जाते हैं। सो मालिक हिम्मत दे, आशीर्वाद प्रसाद बाद में ले लेना, नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। और बाकी शास्त्र में गिनने से पहले फिर वर्ष बिंग पक्की समितियां एमएसजी आईटी बिंग यूथ का नया प्रसाद लेने वाले सेवादार खड़े हो जाएं, नारा लगा के बैठ जाएं। मालिक बहुत बहुत खुशियां दे। सो आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना और नाम दर्ज करवा लेना। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद पुत्र, बैठ जाइए। और आर्मी फौज पुलिस से जो आए हैं, एएसआई जयसिंह जी, सीआरएफ दिल्ली से परिवार सहित बेटे की शादी के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद बेटा, भारतीय नौसेना से गौरव इंसान, सेना दिल्ली से आए हैं, एएसआई गुरदीप सिंह, एससी सुखविंदर सिंह, एससी संदीप सिंह, एससी लखविंदर सिंह पंजाब से आए हैं, आदित्य गुदारा पुत्री सुरेंद्र गुदारा पिता आए हैं, जिन्हें सीएसआईआर की नेट परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान प्राप्त किया है। बहुत बड़ी बात बेटा, बहुत ही आशीर्वाद। और शास्त्र में बाई स्कूल श्री गुरुसर मोड़िया जी के टीम जिला स्तर पर 20 स्कूलों को पछाड़कर जिला टॉपर बनी है, अब कल स्टेट लेवल पर टीम जारी है, आशीर्वाद। उनको भी बहुत आशीर्वाद बेटा। बहन बाला पत्नी ज्ञानो खेकड़ बागपत से आए, जो आप जी की व्याख्या सुनकर बच्चा अवार्ड नए करवाने का प्रण लिया है और आज आप जी से गुरुमंत्र भी लिया। बहुत आशीर्वाद बच्चों, आप सबको और जो आर्मी पुलिस में है उन सबको बहुत बहुत सैल्यूट, क्योंकि आप लोग अगर जागते रहते हैं बेटा तभी समाज पूरा सो पाता है, चैन की नींद ले पाता है। सो मालिक आपको ताकत दे, शक्ति दे और खुशियों से नवाजे। हाँ जी, प्रसाद ले लेना बच्चों, मालिक दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद, आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा। इंस्टाग्राम में 3 मिलियन फॉलोअर व सॉन्ग वीडियो के 10 मिलियन व्यू होने की खुशी से दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाने वाले हैं जी, गुरमेल इंसा कैलगरी कनाडा 77,770 रुपये, पंडाल समिति सिरसा दूसरी शिफ्ट की बहनें 12,770। सबको मालिक दया में रहमत से नवाजे, घरों में खुशियां बरकत दे बेटा, प्रसाद बन गया ले लेना, मालिक दया में रहमत से नवाजे। विदेशों वाले भी नजर आ रहे हो आप, हाईलाइट कर दिया गया है आपका। हाँ, प्रसाद बन गया बेटा, बच्चे को भी आशीर्वाद, मालिक खुशी दे बेटा, बहुत बच्चा भी नेक इंसान बने, भक्ति में आप लोगों से आगे जाए, यही मालिक से दुआ है, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और हम कोलों को बना कोहिनूर, अपने ताज पर सजा, अच्छे बुरे की कर पहचान, माँ बाप की तरह समझाया, हमारी हर धड़कन आपके एहसानों से ही चल रही, दातार बने रहे आपके, हमेशा मिलता रहे आपका रूहानी प्यार। तो कुछ बच्चों ने अपने सेवा में 14 से 9 साल पूरे होने की खुशी में दीन दुखियों की मदद के लिए, खास करके नशा छुड़वाने के लिए 2 बसें करी हैं, ताकि उनमें आके बच्चे नशा छोड़ सकें। तो उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे, नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, मालिक गोड़ निभाए, खुशियां दे, आशीर्वाद। और आज के दिन आपको नित्य वाली बड़ी बात करी थी, 29 अक्टूबर 1993 शास्त्र नाम जी धाम सरसा का मुहूर्त हुआ था, इसी खुशी में सरसा दरबार में लड्डू रखे हैं, यहाँ भी लड्डू बांटने की आज्ञा चाहते हैं और हर जगह ही लड्डू रखे हैं जी। तो आपको बताया नित्य दिवाली वाली बात चल रही है। सो आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, सत्संग जी लंगर भोजन भी लेना, और फिर जैसे आपका ख्याल आप समय अनुसार जा सकते हैं। सो क्योंकि सत्संग के प्रोग्राम चल रहे हैं लगातार, तो इसलिए आप सबको मालिक बहुत खुशियाँ दे, बहुत आशीर्वाद। सरसा से भी सत्संग नजर आ रही है, प्रसाद बन गया, लड्डू वगैरह जहाँ जहाँ भी रख रखे हैं सब जगहों पे, और सबको बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, प्रसाद लेना। तो अब थोड़ा समय सजे रहिएगा, फिर जैसे ख्याल आपका जाने का समय अनुसार जा सकते हैं, लंगर भोजन लेना, प्रसाद लेना, सबको मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। सभी ने प्रेम से सजे रहना है, और ये सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि